ये देखो इसका कैप मैंने ओपन कर दिया और कुछ इस तरह से ऐसे देख रहे हो, इसको ऐसे इस पे करते हैं। और ये डीपी किट आपको अलग अलग कंपनी का मिलता है, ऐसा नहीं कि जो आप देख रहे हो सिर्फ यही कंपनी का मिलेगा, ये अलग अलग कंपनी का और अलग अलग नाम से आता है। गाइज ये देखो, इसको बोलते हैं डीपी किट, डाई पेनेटेंट किट, और इसमें मोस्टली तीन तरह के आइटम यूज होते हैं, या ये कहें कि तीन तरह के केमिकल को यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले की, तो देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेनेट्रेंट रिमूवर, तो इसे रिमूवर के नाम से भी जानते हैं, और कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में ये क्लीनर के नाम से भी आता है, यहाँ पर क्लीनर लिखा होता है। और बात करते हैं इस वाले की, तो देखो इसके ऊपर डेवलपर लिखा हुआ है, और ये थर्ड वाला पेनेट्रेंट होगा, देखो रेड डाई पेनेट्रेंट। तो मोस्टली तीन तरह के नाम होते हैं, आप नाम को अच्छे से याद कर लो, पेनेट्रेंट, डेवलपर एंड क्लीनर। इसमें अलग नाम लिखा हुआ है पेनेट्रेंट रिमूवर, जिसे हम लोग क्लीनर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीन तरह के आइटम को, तीन तरह के केमिकल को यूज किया जाता है डीपी किट के तौर पे। और इसको कहाँ पर यूज किया जाता है वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, दो तीन ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैंने इस डीपी किट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इस डीपी किट को कहाँ पर यूज किया जाता है और किस तरह से यूज किया जाता है, उसमें आपको डिटेल्स में सब कुछ मिल जाएगा। पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस डीपी किट को कहाँ पर और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आप ये सामने देखो, यहाँ पर ये वेल्डिंग की गई है, राइट, आर्क वेल्डिंग की गई है, और जो हाई प्रेशर ज्वाइंट होता है उसमें आर्गन वेल्डिंग होती है, फिर आर्क वेल्डिंग होती है। तो इसका ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वेल्डिंग है, अब ये वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है, इसमें कोई क्रैक है, माइनर क्रैक है, तो ये ऐसे देखने में समझ में नहीं आएगा। तो इसको चेक करने के लिए कि ये वेल्डिंग प्रॉपर है या नहीं, इसके अंदर कोई माइनर क्रैक है या नहीं, उसे चेक करने के लिए ये डीपी किट का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको प्रोसेस बता देता हूं। तो सबसे पहले ये पेनेट्रेंट आप देख रहे हो, इस पेनेट्रेंट को इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ये सारा स्प्रे सिस्टम वाला है, आपको दिखा देता हूं एक बार ओपन करके, बहुत हार्ड है भाई। ये देखो इसका कैप मैंने ओपन कर दिया और कुछ इस तरह से ऐसे देख रहे हो, इसको ऐसे स्प्रे करते हैं, कलर लग जाएगा तो फालतू में मेरा हाथ खराब हो जाएगा। तो पहले इस वाले पेनेट्रेंट को उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, फिर उसे क्लीन करते हैं, ये पेनेट्रेंट रिमूवर लगाते हैं ताकि वो रिमूव हो जाए। फिर क्लीन करने के बाद थोड़ा, ये ऐसा नहीं कि कंटिन्यू सब करते चले गए, थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, पहले पेनेट्रेंट फिर ये क्लीनर, साफ करके थोड़ा देर वेट करके जब वो ड्राई हो जाएगा वो एरिया जहाँ पर वेल्डिंग की गई है, उसके बाद ये एंड में डेवलपर लगाया जाता है, मतलब इसका स्प्रे किया जाता है, तो फिर जो माइनर से माइनर क्रैक होगा इस वेल्डिंग में वो हमें पता चल जाता है। तो मोस्टली इस डीपी किट को कोई भी माइनर क्रैक पता करने के लिए यूज किया जाता है, कहीं भी अगर कोई भी वेल्डिंग ज्वाइंट होती है, चाहे वो हाई प्रेशर ज्वाइंट हो, नॉर्मल ज्वाइंट हो वेल्डिंग की, आर्क वेल्डिंग हो, तो उसका क्रैक पता करने के लिए इस तरह की डीपी किट को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की आप लोगों से, किस तरह से स्टब ज्वाइंट पे डीपी टेस्ट किया गया है, वो सब कुछ आपको मिलेगा मेरी पिछली वीडियो में, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देखो, उसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी। अब मैं आपको इस वाले को भी दिखा देता हूँ, इसको तो मैंने दिखा दिया, इसमें से रेड कलर का ये स्प्रे होता है, मतलब रेड कलर का ये इसमें केमिकल होता है, और ये कौन सा है, ये डेवलपर है, डेवलपर आई थिंक वाइट होता है, देखो देखो है ना वाइट कलर का, और ये क्लीनर है, पेनेट्रेंट क्लीनर, देखो ये बिल्कुल पानी की तरह होता है किसी भी जगह को क्लीन करने के लिए। तो ये डेवलपर को एंड में यूज करते हैं, डेवलपर मीन्स डेवलप करने के लिए, जो भी क्रैक है माइनर उसे पता करने के लिए एंड में इसको करते हैं, और थोड़ा वेट करने के बाद क्या है वो माइनर क्रैक हमें पता चल जाता है इस डेवलपर की मदद से, पहले ये पेनेट्रेंट, उसके बाद क्लीनर, के बाद डेवलपर। और ये डीपी किट आपको अलग अलग कंपनी का मिलता है, ऐसा नहीं कि जो आप देख रहे हो सिर्फ यही कंपनी का मिलेगा, ये अलग अलग कंपनी का और अलग अलग नाम से आता है। ये दो नाम आपको कॉमन मिलेंगे, एक पेनेट्रेंट और दूसरा डेवलपर, बस क्लीनर का नाम अलग अलग हो सकता है, किसी में आपको पेनेट्रेंट रिमूवर के नाम से मिलेगा और किसी में सिर्फ क्लीनर के नाम से मिलता है। सो गाइज ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन डीपी किट के बारे में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।